हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट व्हाट फैक्टर्स एफेक्ट द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सो एज यू कैन सी हेयर दैट बेसिकली दिस वीडियो इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ माई प्रीवियस वीडियो व्हिच इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं क्या फंक्शन ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्ले करता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने ये पढ़ा कि कितने टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है सो so बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि हमारा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टू टाइप्स का होता है एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ओके सो उसमें आपने पढ़ा कि इनडायरेक्ट चैनल में अलग अलग इंटरमीडरीज यूज़ होती हैं तो जिसमें एक इंटरमीडरी यूज़ होती है उसको हम वन लेवल चैनल बोलते हैं जिसमें दो इंटरमीडरी यूज़ होती हैं उसमें उसको हम टू लेवल चैनल बोलते हैं जिसमें थ्री इंटरमीडरीज यूज़ होती हैं डेट इज एजेंट होल सेलर एंड रिटेलर तो उसको हम थ्री लेवल चैनल्स बोलते हैं सो इन दिस वीडियो आई विल टीच यू वॉट फैक्टर्स अफेक्ट द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होना चाहिए वो कुछ फैक्टर्स को पे डिपेंड करता है सो देर आर फ्यू फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की चॉइस को फर्स्ट फैक्टर इज़ प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर

ओके okay, उस पर भी कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सो so, अब का सबसे पहला है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है मींस अगर आपका इंडस्ट्रियल गुड्स है जैसे कि आपके सीटी स्कैन मशीन्स हो गए या और गुड्स हो गए तो उसके लिए कैसा हमें चैनल चाहिए उसके लिए हमें शॉर्ट चैनल चाहिए जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो लेवल चैनल या इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेवल चैनल और हम फर्स्ट लेवल चैनल का भी यूज़ कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए क्योंकि ये गुड्स जो हैं वो बहुत ही टेक्निकल होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और कस्टमाइज तरीके से इन्हें बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर सो ये इन पर्टिकुलर गुड्स के लिए हम कौन सा चैनल यूज़ करते हैं हम जीरो लेवल चैनल या वन फर्स्ट लेवल चैनल यूज़ करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए इनके अलावा अगर आपके कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे कि आपका एल हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया ए हो गया सो so, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं लॉन्ग चैनल्स के थ्रू भी जैसे आपके थ्री लेवल चैनल हो गए टू लेवल चैनल हो गए क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं और इतने टेक्निकल नहीं होते हैं और ये फ्रीक्वेंटली परचेज़ किए जाते हैं तो इसके लिए हम लॉन्ग चैनल्स का भी यूज़ कर सकते हैं ओके विद दिस वी हैव एन प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर डैट इज़ पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल सो आपके पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं आपके पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स हो गए डेरी प्रोडक्ट्स हो गए सो so, ये बहुत जल्दी ख़राब होने का इनका डर होता है इसीलिए हम इनके लिए शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जिसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं या हम फर्स्ट लेवल चैनल भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे हो गए हमारे नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि आपका सोप हो गया ऑयल हो गया शुगर हो गया शॉल्ट हो गया तो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम लॉन्गर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं ओके विद दिस वी हैव एन प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर डैट इज़ वैल्यू ऑफ़ द प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है आपके प्रोडक्ट की कीमत क्या है सो so, अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो लो होती है जैसे कि आपका प्रोडक्ट हो गया ग्रॉसरीज प्रोडक्ट हो गया आपके ग्रॉसरी प्रोडक्ट हो गया तो उसके लिए हम लॉन्ग चैनल ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करते हैं यहीं पे अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो हाई वैल्यू का है जैसे कि आपके डायमंड ज्वेलरी हो गया गोल्ड ज्वेलरी हो गया तो उसके लिए हम शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करते हैं ओके विद दिस वी हैव अनदर फैक्टर विच इज़ प्रोडक्ट रिलेटेड डैट इज़ प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी सो so, आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है उससे भी हमें पता चलता है कि हमें किस टाइप का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है सो so, अगर आपका टेक्निकली कॉम्प्लेक्स गुड्स हैं मीन्स आपके प्रोडक्ट जो हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेटेड हैं या इंजीनियर इंजीनियर प्रोडक्ट हैं तो उसके लिए हम शॉर्ट चैनल्स यूज़ करते हैं मीन्स आपके इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मशीन हो गया जनरेटर हो गया ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए हम शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं यहीं पे अगर आपके सिंपल प्रोडक्ट्स हैं या नॉन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए हम लॉन्ग चैनल्स प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स के लिए हमको एक्सपर्ट एडवाइज और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है और यहीं पर टेक्निकल प्रोडक्ट्स के लिए टेक्निकल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए हमको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है गाइडेंस की ज़रूरत होती है इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट चैनल यूज़ करते हैं ओके okay? with this we have another factor which is related to company so हमारे company related products हो गए या company related कुछ factors होते हैं जो affect करते हैं हमारे distribution channel को तो पहला हमारा company factor है वो है financial strength so means company की financial strength कैसी है उससे related भी हम distribution channel को देखते हैं अगर company के पास ज़्यादा funds हैं ज़्यादा finance है तो वो जा सकते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन्स दे कैन हैव देयर ओन रिटेल आउटलेट्स जिसमें कि वो प्रोडक्ट अपने सेल कर सकते हैं ईजिली और अगर कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं हैं तो वो इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचा सकें ओके विद दिस वी हैव अनदर कंपनी रिलेटेड फैक्टर डेट इज़ कंट्रोल और यू कैन से डिग्री ऑफ कंट्रोल सो अगर फर्म को ज़्यादा कंट्रोल चाहिए है डिस्ट्रीब्यूशन पे तो वह बेसिकली प्रिफ़र करते हैं शॉर्ट चैनल या जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट चैनल भी वो यूज़ करते हैं और अगर फर्म को ज़्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे तो वो ईज़िली लॉन्गर चैनल्स यूज़ कर सकते हैं दे कैन अपॉइंट इंटरमीडरीज to sell their products to the customers, okay? With this we have another factor that is market factor. So aapke market related factors bhi hote hain jo affect karte hain hamare channel path ko या channel distribution ko okay? So आपका सबसे पहला factor है market से related वो है आपका size of market. आपके market की size क्या है? So as you can easily say that अगर आपके कस्टमर का नंबर ज़्यादा है मतलब कस्टमर्स आपके ज़्यादा हैं ह्यूज अमाउंट में आपके कस्टमर्स हैं तो आप लार्ज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं ओके okay? और यहीं पे अगर आपके जो कस्टमर्स हैं वो लो अमाउंट में हैं स्मॉल नंबर्स में हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल्स यूज़ करते हैं मोर ओवर अगर आपके इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जिसका हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स के बेसिकली कस्टमर्स जो हैं वो कम होते हैं तो आप कैसा चैनल प्रिफर करते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपने गुड्स को बेचते हैं जिसको हम शॉर्ट चैनल्स भी बोलते हैं और यहीं पे अगर आपके कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स हैं या कन्वीनियंस गुड्स हैं तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज़्यादा होंगे इसीलिए आप लॉन्ग चैनल्स भी यूज़ करते हैं ओके विद दिस आपका दूसरा मार्केट फैक्टर है वो है जोग्रफिकल कंसनट्रेशन सो आपका जोग्रफिकल कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करता है आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपके जोग्रफिकल एरिया जो है आपके बायर्स जो हैं वो ज़्यादा जोग्रफिकल एरिया में स्कैटर्ड हैं तो आप उनके लिए लॉन्ग चैनल प्रीफर करेंगे लॉन्ग चैनल ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रीफर करेंगे और यहीं पे अगर आपके कंज्यूमर्स का जोग्राफ़िकल एरिया लिमिटेड है तो वो आप उनके लिए शॉर्ट चैनल्स प्रेफर करेंगे जिसको आप डायरेक्ट चैनल्स भी बोलते हैं ओके सो आपका थर्ड मार्केट फैक्टर है वो है आपका क्वांटिटी परचेज तो कितनी क्वांटिटी परचेज की गई है वो भी इफेक्ट करता है हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सो so, अगर आपका ऑर्डर साइज बड़ा है तो आप उसके लिए डायरेक्ट सप्लाई करोगे फर्म से और अगर आपका यहाँ पे ऑर्डर्स जो हैं वो स्मॉल लॉट्स में हैं तो जाहिर सी बात है आप रिटेलर्स को प्रेफर करोगे ओके सो लॉन्ग चैनल्स आपके लिए प्रेफर किए जाते हैं जब आपका ऑर्डर साइज़ जो है वो स्मॉल होता है मींस वहाँ पे आपके डिफरेंट इंटरमीडरीज होते हैं जो कि गुड्स को सेल करते हैं और अगर आपका क्वान्टिटी परचेज़ लार्ज है लार्ज ऑर्डर्स आपने बोले हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट चैनल यूज़ किया जाता है फर्म्स के थ्रू ओके okay? with this we have another factor which is which determine the choice of channel of distribution is competitive factor so aapke competitors ne kya channel effect kya channel select kiya hai ye bhi affect karta hai aapka selection of channel of distribution as a company आपको select करना है same channel या आपको दूसरा channel select करना है अपने competitor को देखते हुए ये आप particularly आपकी कंप्लीट चॉइस होती है क्योंकि बेसिकली क्या होता है कंपनी जो है सेलेक्ट करती हैं सेम चैनल या सेलेक्ट करती हैं दूसरा चैनल वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कंपटीटर के फैक्टर पे कंपटीटर ने जो चैनल प्रिफ़र किया होगा कंपनी दूसरी कंपनी शायद उसको ना प्रेफर करे ओके फॉर एग्जांपल आपकी अगर नोकिया कंपनी है और उसने सेलेक्ट किया है पर्टिकुलर चैनल जैसे कि हम मान लेते हैं उसने बिग बाज़ार को सेलेक्ट किया है अपने हैंडसेट के सेल के लिए तो अदर फर्म्स जैसे कि आपकी सैमसंग हो गई एल हो गई वो मे भी वो पर्टिकुलर सिमिलर चैनल सेलेक्ट करें और या तो वो किसी और चैनल के थ्रू भी अपने गुड्स को अपने हैंडसेट्स को सेल कर सकती हैं ओके सो कंपनी को डिसाइड करना होता है कम्प्लीटली कि वो सेम चैनल एडॉप्ट करेगी या वो कॉम्पिटिटर से हट के कोई दूसरा चैनल एडोप्ट करेगी ओके okay? लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर विच एफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इन्वायॉर्मेंटल फैक्टर तो आपका इन्वामेंटल फैक्टर जो है वो भी इफेक्ट करता है चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आपके इन्वामेंटल फैक्टर में आ गए आपके policies है, trade policies है, आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं ट्रेड पॉलिसीज़ कैसी हैं आपकी इकनॉमिक पॉलिसी कैसी हैं आपके कंट्री में तो ये सारे फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं आपके डिस्ट्रब्यूशन चैनल को सो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन हो गए लीगल रेगुलेशन हो गए आपके ट्रेड पॉलिसीज हो गए इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गए तो ये भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करने में फॉर so, एग्जाम्पल अगर आपकी इकनॉमी जो है वो डिप्रेशन के फेज में है डिप्रेसड इकनॉमी है तो जनरली कंपनीज जो हैं वो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेलेक्ट है, करती हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए ओके okay? सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो गया कॉन्सेप्ट कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करते हैं सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक रीड इट फ्रॉम देर एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्लीज़ आस्क यूर क्वेरीज़ टू मी एंड इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक माई वीडियो शेयर इट विद यर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके थैंक यू